नमस्कार, बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण सरकार ने बनाए, लेकिन फिर भी इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चली है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डरों का पर्दाफाश करके आपको आगाह करेंगे। साथ ही जब तक जालसाज बिल्डरों को सलाखों के पीछे नहीं भिजवा लेते, हम आपकी मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। तो आप भी बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड न कर सके। आम्रपाली बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से 250 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया। इसके लिए कोर्ट ने 15 जून तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि 15 जून तक आम्रपाली बिल्डर एस्क्रो अकाउंट खोलकर रुपए जमा करे। आपको बता दी चलें कि एस्क्रो अकाउंट को वो खाता होता है जिसमें रुपए तो जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन निकासी कोर्ट के निर्देश पर होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के हंटर का ही असर है कि आम्रपाली बिल्डर ने सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने की रेट भी सबमिट की। आम्रपाली बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट की 3 बकेट बनाई, जिसमें से उसने किस प्रोजेक्ट को कब पूरा करना है इसका समय भी निर्धारित कर दिया है। पहली बकेट में सफायर लीजर पार्क 1 और 2 है। सफायर में 1033 यूनिट है। ये फ्लैट 11 टावरों में बनाए जा रहे हैं। कोर्ट में सबमिट किए गए दस्तावेजों में इसे पूरा करने 9 से 12 महीने लगेंगे, ये उसने बताया है। लीजर पार्क 1 और 2 को पूरा करने में 3 से 15 महीने लग सकते हैं। तो ये समय सीमा दी है उसने, 250 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 15 जून तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आम्रपाली को। सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है आम्रपाली पर। जेपी बिल्डर के दिवालिया होने के मामले में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जेपी बिल्डर को अवमानना के केस में जेल भेजने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 15 जून तक 1000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट की जेपी को फटकार, 1000 करोड़ रुपए जमा करो नहीं तो भेज देंगे जेल। निवेशकों की गाड़ी कमाई लूटने वाले जेपी बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर को दो टूक कहा है कि वो पहले 1000 करोड़ रुपए जमा करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक का वक्त दिया है। अगर जेपी बिल्डर ने आदेश का पालन नहीं किया तो सर्वोच्च अदालत उसे अवमानना के आरोप में सलाखों के पीछे भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जेपी बिल्डर की सांसें अटकी हुई हैं। जेपी बिल्डर ने कोर्ट के सख्त रुख से बचने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन कोर्ट के सामने उसकी दाल नहीं गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन मामले में सुनवाई के दौरान ही जेपी बिल्डर को 1000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन जेपी बिल्डर पैतरीबाजी करके खुद को रकम जमा करने से बचा रहा था। हालांकि कोर्ट अब उसे राहत देने के मूड में नहीं है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वह 1000 करोड़ रुपए जमा कर दे, निवेशकों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी सरकार निवेशकों से बार बार फ्लैट देने का वादा करती है, लेकिन हर बार वादा वादा ही रह जाता है। ऐसे में सरकार की खूब किरकिरी भी हो रही है, लेकिन सरकार है कि तारीख देने में जरा भी हिचकती नहीं है, और बिल्डर के आका अगली तारीख में धुन की तरह लगकर उसे खोखला कर देते हैं और सरकार सिर्फ देखती रह जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा में फिर वादा ढेर, मई में भी पूरा नहीं हुआ वादा, 40,000 फ्लैट देने की घोषणा अधूरी। बिल्डर तारीख देता है, प्राधिकरण तारीख देता है और सरकारें तारीख देती है। बायर्स के हाथ सिर्फ तारीख के अलावा कुछ नहीं लगता। 40,000 फ्लैट ग्रेनो वेस्ट में दिए जाने थे। बिल्डर का 27,000 फ्लैटों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग अलग प्रोजेक्टों में मिल चुका है। वादे पर वादा और एक वादा टूटने पर दूसरा वादा। आज तक सूबे की सरकार ने जितने भी वादे किए, अथॉरिटी ने उसका जनाजा निकाल दिया।
ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की 203 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें करीब 2.5 लाख फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है। यूपी सरकार ने दो दो बार घोषणाएं कर 40,000 निवेशकों को फ्लैट देने का वादा किया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो वादा अगली तारीख में बदल गया। सवाल सरकार की विश्वसनीयता का है। सरकार ने भी कभी वादे पूरे ना होने की असल वजह नहीं जाननी चाहिए। चहेते अफसरों पर आंखें मूंद कर भरोसा किया। हालात ये है कि बिल्डरों के सिंडिकेट ने सरकार को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बिल्डर की तरफ से देखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं करी जाती, क्योंकि बिल्डर बाकायदा बहका देता है प्राधिकरणों को और प्राधिकरण बिल्डर की बात मान लेती हैं, लेकिन बायर्स के जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। सूत्रों की माने तो अभी प्लानिंग विभाग ने 27,000 फ्लैट के कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जिसमें कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट शामिल थे। ऐसे में सरकार ने कैसे 40,000 फ्लैट का वादा कर दिया? अथॉरिटी में वो बिल्डरों का बॉस कौन है, जिसके इशारे पर प्रचंड बहुमत वाली सरकार नाच रही है, जबकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट की गई घोषणाओं से कम था? तो इतनी बड़ी हिमाकत कैसे हुई? प्रशासन बार बार वादा खिलाफी क्यों करता जा रहा है? सवाल अब भी वही है, क्या सरकार को बिल्डरों के आका गुमराह करवा रहे हैं और दिन पर दिन उसकी साख गिराते जा रहे हैं? सरकार को इस मसले पर सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो एक बार फिर बिल्डरों के बॉस सरकार की किरकिरी कराने के पीछे नहीं हटेंगे। उनकी हिमाकत की सजा उन्हें जरूर मिले, ताकि निवेशकों को उनकी खुशियां की चाबी मिल सके। अब जो है 40,000 फ्लैट देने की एक समय सीमा निश्चित करने की तैयारी कर रहा है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, तो देखना होगा कि क्या इस बार वादा पूरा होता है या फिर मिल जाती है बायर्स को एक और तारीख। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। लखनऊ का शाने अवध नीलाम हो गया। एलडीए ने रेरा एक्ट का पालन नहीं किया और बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही इसकी नीलामी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। एलडीए की लापरवाही, रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं, नीलाम कर दिया शाने अवध। एलडीए वीसी पीएन सिंह ने लखनऊ के शाने अवध को 428 करोड़ में बेच दिया है। दो साल पहले शुरू हुई योजना को एलडीए ने रेरा में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया और बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही मुंबई की कंपनी को नीलाम कर दिया। इस बात का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। रेरा का गठन हुए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन इन एक साल में एलडीए ने शाने अवध प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अपने ही प्रोजेक्ट पर जब लखनऊ विकास प्राधिकरण का लापरवाही भरा रवैया है, तो दूसरे प्रोजेक्ट को एलडीए कैसे रेरा एक्ट के दायरे में लाएगा और कैसे उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगा? इस मामले में एलडीए की चुप्पी भी सवाल बनी हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए धन जुटाने की आड़ में बड़ा खेल किया गया है। ये एलडीए की खुद की लापरवाही है, क्योंकि एलडीए का जो ये शाने अवध प्रोजेक्ट है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की श्रेणी में आता है और लखनऊ विकास प्राधिकरण खुद रेरा अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की ड्यूटी बनती थी कि अपने इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए सेक्शन 5 में, जो इन्होंने नहीं कराया है, और उसी दौरान इन्होंने इसको बेच भी दिया 428 करोड़ में, नीलामी भी कर दी। तो नीलामी जब की इन्होंने, तो उस पर भी रेरा का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है प्रोजेक्ट ट्रांसफर का, वो उसका भी पालन नहीं किया, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं था। तो एक तरह से तो रेरा को ठेंगा दिखाते हुए इस प्रोजेक्ट को इन्होंने सेल किया और डेवलप किया। आरटीआई ने एलडीए के रेरा ज्ञान की पोल खोल दी। रेरा ने आरटीआई के सवाल का जवाब देते हुए शिकायतकर्ता को बताया है कि एलडीए ने शाने अवध प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जबकि एलडीए की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब नहीं आया है। जी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका काम है सभी डेवलपर्स पे, सभी बिल्डर्स कंपनियों पे नज़र रखना, उन्होंने क्या क्या काम किया सब पर नज़र रखना, लेकिन जब चूँकि जब वो खुद ही एक अथॉरिटी होके उस पर निगरानी नहीं रख पा रही है, तो ये काफ़ी दयनीय है दूसरी कंपनी उसके लिए, एक दूसरा मार्गदर्शन पेश करती है अदर्स जो बिल्डर्स कंपनी है उनके लिए, जो खुद ही अपने नियम बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए प्रोजेक्ट पर निर्माण कराना या बेचना खरीदना नियम के खिलाफ है। देखना है कि यूपी रेरा एलडीए के अफसरों पर किस तरह का
एक्शन लेता है। सरकार के चहेते अफसर एलडीए वीसी पीएन सिंह की लापरवाही हुई उजागर। दो साल पहले शुरू हुए सानेवत प्रोजेक्ट का अब तक रेरा में नहीं कराया गया रजिस्ट्रेशन। हालांकि मुंबई की कंपनी को 428 करोड़ में सानेवत बेच दिया गया है, उसमें भी नियम कानून जो है फॉलो नहीं किए गए हैं। आरटीआई में जो जवाब आया है उसमें साफ कहा गया है कि रेरा में अभी तक रजिस्ट्रेशन सानेवत का नहीं किया गया है। अब ऐसे में शासन और सरकार एलडीएवीसी पीएन सिंह के खिलाफ कौन से कदम उठाएंगे? कैमरा पर्सन अमित मनी के साथ मैं अंकुश जायसवाल, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ की मोहान रोड योजना मुआवजे के दोहरे रवैये की मार झेल रही है। दरअसल जिन किसानों से जमीन एक्वायर करने के लिए मुआवजा दिया गया उसमें समानता नहीं बरती गई, जिस बात को लेकर किसानों में गुस्सा है। वो जब तक 750 हेक्टेयर जमीन पर एलडीए का कब्जा होने देना नहीं चाहते तब तक उनकी सही तरीके से मुआवजा उनको न मिल जाए। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के साथ एलडीए का धोखा, मुआवजे में दो तरफा नीति का विरोध, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ खोला मोर्चा, लापरवाही से अधर में मोहान रोड योजना। लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना खटाई में पड़ गई है, जबकि एलडीए ने जमीन पर भौतिक कब्जा जमा लिया है, फिर भी योजना मूर्त रूप लेती नजर नहीं आ रही। इसके पीछे की वजह भूमि अधिग्रहण में अनियमितता को माना जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि एलडीए ने अधिग्रहित जमीन का एक गाँव में अलग मुआवजा दिया जबकि दूसरे गाँव को अलग, ऐसा करके उनके साथ एलडीए ने धोखा किया। दोनों गाँव की सीमाएं एक है, वहाँ पे 68 लाख दिया गया, यहाँ पे 41 लाख दिया गया। अच्छा। दोनों की एक ही सीमाएं हैं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को 2016 का सल्की रेट दिया जाए, दोनों गांव का समान किया जाए। हालात ये हैं कि जितना मुआवजा एलडीए ने किसानों को दिया आसपास उतने की जमीन उन्हें नहीं मिल रही, जिसके चलते किसान परेशान है। उनकी मांग है कि मुआवजा एक समान मिले और 2016 का सर्किल रेट पर मुआवजा मिले। यहाँ पे एलडीए जो है 42 लाख में हमारे यहाँ प्यारीपुर की जमीन जो है स्क्वायर कर ली है, और इसलिए जो है हम लोग यहाँ बहुत इतने परेशान हो चुके हैं कि हम लोग समझ लो कि बिल्कुल रोड पे सर आ चुके हैं हम, क्योंकि आसपास की ज़मीनें अब जहाँ की इसके लिए जो है 42 लाख में ले ली है, और यहाँ का जो प्राइवेट रेट था 80 लाख रुपया और 1 करोड़ था, यहाँ पे जो बगल की जो ज़मीन है उसका जो है हाई रोड रेट बढ़ गया एलडीए के सुन करके। यहाँ के जो अगौरे गाँव के जो बगल के गाँव के लोग हैं उनका जो है मतलब 1.5 गुना मतलब पैसा बढ़ा दिया कि 1 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ मतलब और 2-2 करोड़ लोग यहाँ के जमीन जो आसपास गाँव वाले जो हैं जहाँ पे एलडीए ने स्क्वायर की है वहाँ पर इतना रोड यहाँ का रेट जो है बढ़ गए। मोहान रोड योजना का परवान न चढ़ पाना शुरुआत से ही एलडीए अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा रहा है। इसी के चलते यहाँ की जमीनों की खरीद फरोख्त का काम अटका हुआ था। यहाँ अधिकारियों की अनदेखी के चलते अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की गई। सबसे ज्यादा जमीनों को खरीदने बेचने का काम गाँव कलिया खेड़ा और प्यारेपुर में हुआ। यहाँ 270.39 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को लेकर गत दिनों 439 करोड़ रूपए प्रशासन को एलडीए पहले ही दे चुका था। करीब 3 सालों से मुआवजे की प्रक्रिया लंबित चल रही थी। योजना के तहत भू अर्जन में प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की रकम देने के बाद एलडीए को भूमि पर कब्जा प्राप्त करना। इसके लिए कई बार एलडीए के क्षेत्रीय अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया। इसके बावजूद प्रवर्तन विभाग की सहायक अभियंता और अवर अभियंता अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से अपनी आंखें मूंदे रहे। यहाँ प्लॉटिंग कर भूमि को खरीद और बेच रही थी समितियाँ, जबकि अर्जन विभाग की योजना में अर्जित ग्रामों के सीमांकन का मानचित्र और अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का काम चल रहा था। मोहान रोड योजना में 50,000 आवास बनने, 750 हेक्टेयर जमीन पर मुआवजा बांटने के बाद भी एलडीए कब्जा नहीं कर पाया और न ही किसानों के साथ न्याय ही कर पाया है। देखना ये होगा कि एलडीए और किसानों के बीच जो ये विवाद है ये आखिर कब खत्म होगा, कब मोहान रोड योजना जो एलडीए द्वारा निकाली गई है आखिर वो जमीनी स्तर पर उतर के सामने आएगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं अंकुश जायसवाल, भारत समाचार, लखनऊ। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटे। सीसी बिल्डर निर्मल सिंह नोएडा का गुनहगार है। इस बदमाश बिल्डर ने भी 3,000 से ज्यादा घर खरीदारों का जीना मुहाल कर दिया है। परेशान घर खरीदारों ने दिल्ली में एक बार फिर से उसके घर का घेराव किया, लेकिन क्या खरीदारों को उनका हक मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। सीसी बिल्डर का महाफ्रॉड, 3,000 निवेशकों से ठगी, लोटस पनास के खरीदारों को लूटा।
ये है 3C कंपनी का MD, नाम है निर्मल सिंह। इसके नाम पर ना जाइए क्योंकि ये निर्मल नहीं है, इसके दिल में 400 BC छिपी है। इस चेहरे के पीछे लूट, धोखा और फरेब की पूरी दास्तान अंगड़ाई ले रही है। इस मक्कार ने निवेशकों के साथ जितने भी वादे किए उसे पूरे नहीं किए। 2013 में लोटस पनास के होम बायर्स को घर देना था, लेकिन पिछले 5 साल से घर खरीदार फ्लैट के लिए ठोकर खा रहे हैं। सेक्टर 110 में इसे लोटस पनास नाम से 2009 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 2010 में फ्लैट्स की बुकिंग शुरू की, 2013 तक निवेशकों से घर देने का वादा किया। धूर्त बिल्डर निर्मल सिंह ने निवेशकों से 100 करोड़ से ज्यादा रुपए वसूल लिए, 95% रकम हड़प ली, फिर भी इसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। महज 20% निवेशकों को आधा अधूरा काम करके प्रोजेक्ट पर पजेशन दिला दिया, न पानी का कनेक्शन दिया, न ही जरूरी सुविधाएं। फ्लैट खरीदारों ने घर लेकर भी मुसीबत मोल ले ली है। प्रोजेक्ट का 80% हिस्सा आज भी ठप पड़ा है। 5 साल हो गए निवेशकों को उनका आशियाना नहीं दिया और न ही जमा रकम को वापस कर रहा है। निवेशक निराश है क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेसवे थाने में नटवर लाल निर्मल सिंह के खिलाफ 400 BC का मुकदमा दर्ज कराया था। FIR कराए भी महीने बीत चुके हैं। पुलिस जांच के नाम पर बिल्डर निर्मल सिंह को बचाती नजर आ रही है। पुलिस कंप्लेंट की है, उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। रेरा में अभी कहा हुआ है कि है ना भाई शायद कुछ हो जाए। गवर्नमेंट इनके खिलाफ जब तक सख्त एक्शन नहीं लेगी तब तक ये मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे फ्लैट्स देंगे हमें। अथॉरिटी के रवैये से घर खरीदार परेशान है। निर्मल सिंह की जड़ अथॉरिटी में गड़ी है। बदमाश बिल्डर की जी हजूरी में प्राधिकरण के घूसखोर अफसर मुंह खोले खड़े हैं। शिकायत करने से भी क्या फायदा, इसलिए जनवरी में निर्मल सिंह के घर का घेराव किया। तब निर्मल सिंह ने निवेशकों से मार्च तक का वक्त मांगा, लेकिन इस धूर्त बिल्डर ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब भी उसका प्रोजेक्ट 80% अधूरा था और अब भी अधूरा है। उसे क्या पड़ी है, निवेशकों की रकम वो डकार कर बैठ चुका है, फिर काम करने से क्या फायदा। जो फ्लैट हैं वो अधूरे अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, सिर्फ ईंटों का ढांचा खड़ा कर दिया है और 90% पैसे और 100% पैसे बायर से लेने के बाद आज बायर सड़कों पे घूम रहा है, धूप में पसीने में बच्चों को साथ लेके उनके घर पर प्रोटेस्ट करता है। निवेशकों ने एक बार फिर निर्मल सिंह के घर का घेराव किया और उसे चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी गुहार पहुंचाएंगे। हम CM से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम उनके घर बार के जाएंगे, बोले आपसे हम लोन भी नहीं ले रहे हैं, जो आपने स्कीम लागू की है वो नहीं। हम तो जो पैसा हमने 2010-11 में दिया है, जिस पैसे को हमने हार्ड अर्न मनी लगाया हुआ, आपने सुना इतने बूढ़े लोग इतने बड़े लोग जिनके घर में मतलब लोगों के मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई, वो दे आर स्टिल वेटिंग, कुछ लोगों के बच्चे बड़े होते आ रहे हैं अब तक नहीं मिला है, उस बात को हम PMO के बाहर रखेंगे और हम इस प्रोटेस्ट को अब सड़क पर लेकर आएंगे। 3C बिल्डर के खिलाफ निवेशक आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। घर खरीदारों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। इस कंपनी का मालिक पूरी तरीके से लापता हो चुका है, फरार है और लोगों को ये भी डर है कि कहीं ये देश छोड़कर ना भाग जाए, क्योंकि अगर एक बार ये देश छोड़कर भाग गया तो लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो देखना होगा कि सोती हुई प्राधिकरण कब जागती है और कब ऐसे बेईमान बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही करती है जिसने हजारों लोगों को लूट लिया है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। बदमाश बिल्डरों की फहरिस्त लंबी है। लोटस पनास में भी यही हुआ। लोटस पनास में निवेशक पैसे लगाकर कैसे फंस गए ये भी आपको दिखा दें। 3C बिल्डर नोएडा का सबसे बड़ा डकैत, सैकड़ों बायर्स की लूट ली जमा पूंजी, 5 साल से घर के लिए घेराव कर रहे निवेशक। बिल्डर निर्मल सिंह ने साल 2009 में लोटस पनास की लॉन्चिंग की। लोटस पनास में एक साथ 30 टावर बनाने का नक्शा पास कराया और सभी पर बुकिंग खोल दी। उस वक्त निवेशकों को लूटने के लिए तरह तरह से प्लान लेकर आया, जिसके झांसे में आकर सैकड़ों निवेशक फंसते चले गए। तब उसने दावा किया था कि होम बायर्स को 2013 तक प्रोजेक्ट पूरा करके घर पर कब्जा दिला देगा, लेकिन आज तक घर खरीदार को उनका घर नहीं मिला।
3C बिल्डर के सेक्टर 110 की इस हाई राइज सोसाइटी में 30 टावर हैं, जिनमें लगभग 4000 फ्लैट हैं। एक फ्लैट की कीमत इसने 125 करोड़ रुपए तय कर रखी है। इस हिसाब से इसने निवेशकों से अरबों रुपए लेकर हजम कर लिए। फ्लैट मांगने पहुंचते हैं तो बस अगली डेट बताकर टाल देता है। पनाज का प्रोजेक्ट है 3C वालों का, वहाँ पर फ्लैट है और वहाँ पर हमारे जैसे सैकड़ों लोगों के साथ में इन्होंने पैसे लेके फ्रॉड किया है, ना तो फ्लैट दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसको लेके हम लोगों ने उनके दिल्ली आवास पे कई बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्रेस वे थाने में इसके खिलाफ 10 से ज़्यादा FIR है और ना तो पुलिस कोई एक्शन ले रही है और ना नोएडा प्राधिकरण कोई एक्शन ले रहा है। 10 टावर पर आधा अधूरा निर्माण कराकर निवेशकों को रहने के लिए सौंप दिया। आज तक सोसाइटी में रहने वालों को OC नहीं दी, अब OC के लिए दौड़ा रहा है। प्राधिकरण सुन नहीं रहा। सोसाइटी के लोग गर्मी में साफ पानी के लिए परेशान हैं। वाटर कनेक्शन कट चुके हैं। बिजली और जरूरी संसाधनों के लिए 3C बिल्डर निर्मल को खोज रहे हैं, लेकिन वो लापता हो चुका है। अथॉरिटी निर्मल सिंह और उसके दोनों पार्टनर को प्रोटेक्शन दे रही है और शह पर ही निर्मल निवेशकों की जेब पर टाका डाल रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया उसका मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन ऐसे अधिकारी भी हैं जो अभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप छोटे से एक मुकदमे में देख लो, पुलिस छोटे आदमी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, लेकिन एक इतने बड़े भ्रष्टाचारी को क्या संरक्षण के तहत ही गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? नहीं तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? मैं मांग करता हूं कि ऐसे जो भ्रष्टाचारी है उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। ये तो इनकी किस्मत है जो इन्हें सिर छिपाने के लिए छत मिल गई। 20 टावर के निवेशक फुल पेमेंट करने के बावजूद उसके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। न बिल्डर मिल रहा है, न उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई हो रही है। निवेशकों ने 3C बिल्डर निर्मल सिंह के घर पर प्रदर्शन किया, उसके घर का घेराव किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब निर्मल सिंह नोएडा में अपना बाजार समेट कर देश से फुर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।